गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज का ये प्रेस ब्रीफिंग हम लोगों ने, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ नवसारी डिस्ट्रिक्ट के तय खमती सिंपो काउंसिल के मेंबर्स से मिले, उसके बाद तय खमती डेवलपमेंट सोसाइटी के मेंबर्स, हमारे ऑल तय खमती सिंपो स्टूडेंट यूनियन के मेंबर्स हैं, और हमारे नवसारी एरिया यूथ एसोसिएशन के मेंबर्स और जितने भी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं हमारे। आज हम लोग ये प्रेस स्टेटमेंट, एक मैसेज देना चाहते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश के अदर ट्राइब्स को। आज सिचुएशन ऐसा हो गया है यहाँ पे हमारा नवसारी डिस्ट्रिक्ट में कि हम लोग अरुणाचल में 26 ट्राइब्स हैं, 26 ट्राइब्स में कई कई मेजर ट्राइब्स हैं, कहीं माइनर ट्राइब्स हैं, और हम लोगों का जो खमती सिंगपो है वो माइनर ट्राइब में आता है। हम लोग एरिया हम लोग का है बोर्डुमसा से लेके यहाँ नवसारी चौखम लेकांग। तो ऐसा होता है कि हर बार हम लोग का यहाँ पे इलेक्शन समय में हर बार बाहर से कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट से आके हमारे यहाँ पे कॉन्टेस्ट करता है या जो भी करता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक तो है, डेमोक्रेसी है, राइट है, लेकिन क्या हम लोग, मैं दूसरा ट्राइब से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि क्या हम लोग माइनॉरिटी ट्राइब जो है उसको हम लोग ख़त्म करना चाहता है क्या एक दूसरा का? अरुणाचल प्रदेश में 26 ट्राइब्स है, उसमें कई तो माइनर ट्राइब्स है। तो इस तरह का जो ट्रेंड जो चल रहा है बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम लोग आज देख रहे हैं एज ए CBO, हम यहाँ देख रहा है हमारा बोर्डुमसा में हम लोग का सिंफो का ख़त्म हो गया, अभी एक रिप्रेजेंटेशन नहीं हो गया, और अभी आने वाला फ्यूचर में हमारा खमताई खमती का भी यही होने वाला है। तो ये हम लोग आज ये पैन अरुणाचल का जो मुद्दा है हम लोग लेके जा रहा है कि बड़ा ट्राइब लोग छोटा ट्राइब का प्रोटेक्शन करेगा, उनका इंडिजिनियस हम लोग का डाइवर्सिटी है अरुणाचल में, कितना कल्चरल डाइवर्सिटी है वो सब के लिए। और आज ये सिचुएशन हो गया है कि कल यही हो सकता है कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं रहेगा अरुणाचल प्रदेश में एक स्टेट में। तो बिना रिप्रेजेंटेशन का एक ट्राइब सिंगपो हो जाता है खमती कैसा एग्जिस्ट करेगा, ये सोचने वाला बात है। ये आप लोग जो भी मेजर ट्राइब्स के लोग हैं बा दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो यहाँ पे आते हैं उनको भी ये थोड़ा सोच देना चाहिए कि छोटा भाई लोग यहाँ पे अपना हिसाब से लड़ना है, हम लोग डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये ट्रेंड अगर शुरू हो गया तो ये ट्रेंड ख़त्म नहीं होगा। कल को ये ट्रेंड होगा नवसारी में होगा, कल को लोहित में होगा, परसों अनजव होगा। तो एक हम लोग का जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है पैन अरुणाचल का वो कहाँ पर मेंटेन रहेगा? सो मैं इसीलिए मैं सभी को अपील करता हूँ हमारे अरुणाचल प्रदेश के अदर ट्राइब्स को जो भी मेजर ट्राइब्स है कि थोड़ा मेरा हम लोग का जो CBO का जो अपील है इसको भी थोड़ा सोच देना है। हम लोग कुछ नहीं चाहता है, हम लोग ना दूसरे के जगह में जाके हम लोग डिस्टर्ब करने वाला है ना कुछ है, लेकिन हम लोग का भी जगह में होने से एक थोड़ा सा हम लोग का कम्युनिटी का एक सेंटिमेंट होता है। ये सेंटिमेंट को आज हम लोग आप लोगों के थ्रू से मैसेज पहुँचा रहा है। हम लोग नहीं बोल रहा कि आज डेमोक्रेसी हर कोई उठ सकता है यार, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि एक ट्राइब का पूरा सेंटिटी, एक ट्राइब का आइडेंटिटी को ख़त्म करने के लिए हर कोई लगा हुआ है। आज हम देख रहा है बोर्डुमसा नवसारी डिस्ट्रिक्ट में ही सब लोग टारगेट करता है हर बार, ये भी बहुत गलत मैसेज है। तो इस तरह करने से तो हम लोग का बीच में क्या यूनिटी रहेगा? एक यूनिटी का बात हम लोग करता है, पैन अरुणाचल का बात करता है। तो आज मैं भी बहुत दुख हूँ ये CBO हिसाब से, मैं यहाँ पर हमारा नवसारी डिस्ट्रिक्ट में जो भी है जो भी डेवलपमेंट हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। और मैं अपील करता हूँ हमारे जितने भी यहाँ पे नवसारी के निवासी है जो भी है, हम लोग देखिए हम लोग एक छोटा ट्राइब है, हम लोग एक दूसरा को मेंटेन करके सर्वाइव करना है। झगड़ा करने से भी हम लोग आपस में सुलझा लेंगे, लेकिन ये नहीं कि बाहर का आदमी ही आके यहाँ पे वो हमारा मसला सुलझाएगा या वो करेगा। और जो भी है हम लोग जैसा भी हम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन हम लोग को चाहिए, ये हम लोग का अपील है। हमारा ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन होना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन में ही हम लोग खुश है। हाँ, अगर कोई चाहिए, कोई सेटिस्फाई नहीं है हमारा ट्राइब का तो दूसरा किसी को उठाए हमारे यहीं से, हाँ वो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस तरह से दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आके हमेशा ऐसा करना ये तो वेरी अनफॉर्चुनेट है। और इसको थोड़ा हम लोग, मैं अपील करता हूँ हमारे स्टेट के दूसरे ट्राइब से भी थोड़ा इस मुद्दा को थोड़ा गौर कीजिएगा। एक दिन ऐसा नहीं हो कि पूरा अरुणाचल का ट्राइब ख़त्म हो जाए, कल्चरल आइडेंटिटी ख़त्म हो जाए, डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो मैं इतना ही कहूँगा,
में हमारे जो भी मीडिया के लोग हैं उनको मैं थैंक्स देना चाहूँगा कि वो लोग आए हैं, हमारा जो व्यू है उसको कम से कम अरुणाचल प्रदेश के नज़र में, हमारे और ट्राइब्स के नज़र में उनको तक हमारा मैसेज पहुँचाइए। ये मैं एक CBO के हिसाब से एक कंसर्न लेते हुए मैं ये कह रहा हूँ, ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये हमारा एग्जिस्टेंस का सवाल हो गया। ये एग्जिस्टेंस हम लोग को एग्जिस्टेंस का बात करता है आज, तो एक ट्राइब को अगर पूरा दबा के ख़त्म करके उसका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं रहेगा तो हमारा कहाँ एग्जिस्टेंस रहेगा, हमारा तय खमती का कौन एग्जिस्टेंस करवाएगा, कल हमारा दुख को कौन सुनाएगा ऊपर। तो ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट है, ऐसा नहीं होना है। मैं अपील करता हूँ हमारे जितने भी मेजर ट्राइब्स हैं अरुणाचल प्रदेश के कि वो लोग भी मेरा ये बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सोचिएगा। आप लोग सब लोग, हम लोग अरुणाचल प्रदेश में एक साथ रहना है, खाली इलेक्शन टाइम में ही ऐसा होना है बोल के नहीं है, और समय में भी हम लोग मिलजुल के रहना है, हम लोग अपना कल्चरल एक्सचेंज करना है, कल्चरल डाइवर्सिटी है हमारा, तो हम लोग मिलजुल के प्यार से कम्युनल हारमोनी के साथ रहना है, ये सब चीज़ें हैं। तो मैं इतना ही बोल के अपना वक्त पर समाप्त करता हूँ। मेरा मैसेज जो है वो आप लोग थोड़ा सा सोच के देखिए, मैं अगर कहीं से भूल चूक हो गया तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं एक CBO के हिसाब से जो मेरा कंसर्न है, जो मेरा सोच है, उसको आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। आप लोग भी सोच के देखिए, ये एक माइनॉरिटी ट्राइब के साथ अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ये आप बहुत भारी मन से मैं ये आज बोलना पड़ रहा है हमें, हमारे तय खमती सिंह हो कम्युनिटी की ओर से। हमारे एरिया में हर साल, हर जब भी इलेक्शन आता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट आता है, जैसे कि बोरडुमसा हो या लेकांग नामसाई, इस बार तो नामसाई में भी आ रहा है, आके कॉन्टेस्ट करते हैं दूसरे कम्युनिटी से। ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम जो तय खमती सिंह जो है एक माइनॉरिटी ट्राइब है, हो सकता है ये हम 26 मेजर ट्राइब में से एक है, तभी भी हमारे जो जनसंख्या है बहुत कम है, और इसको अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आके हमारे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को छीन लेता है तो हम कैसे जिएंगे। हम बहुत छोटे, बहुत संख्या में बहुत छोटा है, बहुत कम है अरुणाचल। इसलिए मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो भाई भाई और बहनों ने बहनों आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में आके, जो रेसिप असेंबली के लिए जो इलेक्शन होते हैं उनमें आके कंटेस्ट करते हैं, उनको मैं तहजील से अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ आप लोग मत आइए हमारे डिस्ट्रिक्ट में आके, हमें डिस्टर्ब मत कीजिएगा, हमारे बीच में ही इलेक्शन हो के यहाँ से असेंबली में रिप्रेजेंट करने का मौका दीजिए, क्योंकि अगर असेंबली में रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो हमारे कम्युनिटी क्या, हम लोग का जो दुख तकलीफ है कौन रिप्रेजेंट करेगा। जो अभी आ रहे हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, वो हमारे डेवलपमेंट के लिए नहीं आ रहा है, वो सिर्फ अपना नाम के लिए आ रहा है, अपना पोस्ट के लिए, MLA पोस्ट के लिए आ रहा है। हमें हमारा जो तय खमती सिंह का जो दुख तकलीफ है उसको देखना नहीं है, बस उनको खाली एक MLA पोस्ट चाहिए, उसको नाम चाहिए, वही उसके लिए आ रहा है। इसलिए मैं दूसरे कम्युनिटी के भाई और बहनों को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप लोग इस बात को गौर कीजिएगा, और आप लोग अपना कम्युनिटी में भी कभी चर्चा कीजिए ना, हमें यहाँ डिस्टर्ब ना करने के लिए। और एक चीज़ है, जो हमारे नामसाई डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत छोटा है, यहाँ में हम लोग का तय खमती कम्युनिटी जो है नामसाई और सिर्फ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा है, बहुत कमती है हम, और इसलिए आप लोग से विनती मत आइए, ये डिस्टर्ब मत कीजिएगा हमें। और वो जो आते हैं वो तो आके हमारे यहाँ में जो हमारे छोटे छोटे गाँवों में है वहाँ जाके पैसा देते हैं, लालच देते हैं, लालच दे के वो लोग इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं, ये नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगा, प्लीज़ भाई और बहनों, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के दूसरे कम्युनिटी के लोग, भाई और बहनों को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप लोग इस बात को गौर कीजिएगा और ऐसा कैंडिडेट मत भेजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अरुणाचल प्रदेश का जो अपेक्स बॉडी है, अरुणाचल इंडिजिनस ट्राइब फोरम से कोई डिस्कशन या कम्युनिकेशन किया है इस सेंटीमेंट को लेके? नहीं नहीं, अभी तक तो हम लोग नहीं किया, वो कुछ नहीं किया अभी तक, क्योंकि करना ज़रूरत भी नहीं समझता हूँ हम लोग, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी, हमारा मोटो AITM में, हम लोगों का मोटो जो है वो है कि हम लोग पैन अरुणाचल कॉन्सेप्ट में जाना है, एक दूसरा का सपोर्ट करना है, और एक दूसरा जो ब्रदर ट्राइब है वो लोग अपना छोटा ट्राइब को
मदद करना है, हाथ साथ में लेके जाना है, वही तो मोटो है AITF का। और हमारा काउंसिल की तरफ से दो रिप्रेजेंटेशन है AITF में, काउंसिल खुद तो मेंबर AITF का नहीं है, लेकिन काउंसिल की तरफ से खामती के लिए TKTS रिप्रेजेंटेशन करता है, सिंफो के लिए SDS करता है, तो हम लोग दो रिप्रेजेंटेशन भेजता है AITF में, तो हमारा मोटो ही वो है। तो हम लोग अभी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू से उनको भी यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमने जो भी है हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट से जो भी आते हैं उनको भाई बंधु लोगों को थोड़ा समझाने से ठीक है वो सोचता हूँ।